YouTube channel, I'm here to explain you the source number 9, which is there on the page number 65 of your textbook. It's a tiger-like husband. Here is a story from the Adi Parvan of Mahabharata that explains that Pandavas had fled into the forest. They were tired and fell asleep. We all know that there was a fight between Kauravas and Pandavas, and Pandavas were in the jungle in the forest and they were tired and they fell asleep. Only Bhima, the second Pandava, renowned for his prowess, was keeping watch. Sabko malum tha ki Bhim kitne jada balashali hai. A man-eating Rakshasa caught the scent of the Pandavas and sent his sister Hidimba to capture them. उसको man eating जो राक्षस होते हैं वो तो मनुष्य को ही खाते हैं, तो इसलिए उसको लगा कि आसपास में कोई मनुष्य है. उसने अपनी बहन Hidimba को उनको पकड़ने के लिए भेजा. She fell in love with Bhima since Bhima was watching and भीम को देख करके, उनके बल को देख करके वो उनके ऊपर आसक्त हो गई और she fell in love with Bhima. Now transformed herself into a lovely maiden and proposed to him. उसने अपने आप को एक सुंदर स्त्री के वेश में बदल लिया और भीम से विवाह का प्रस्ताव किया. He refused, उन्होंने मना कर दिया. Meanwhile, the Rakshasa arrived and challenged Bhima to a wrestling match. उसने जो है भीम को जो है वो चैलेंज किया. उसका भाई जो था इसी बीच में आ गया और उसने भीम को चैलेंज किया और युद्ध के लिए उसको ललकारा. भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया. भीमा एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया. द अदर्स वोक अप हियरिंग द नॉइस. अब बाकी सारे भाई जो सो रहे थे वो उठ पड़े. Hidimba introduced herself and declared her love for Bhima. In the meantime, Hidimba ने अपने आप को अपना परिचय दिया और अपने रूप में आ गई और भीम के प्रति अपने प्रेम को उन्होंने सबको बताया. And she told Kunti, I have forsaken my friends, my dharma, my kin and good lady, chosen your tiger-like son for my man. उसने कुंती की तारीफ करते हुए कहा कि आप उत्तम देवी हैं, आप अच्छी माँ हैं और आपको जो है आई हैव forsaken. Hidimba introduced herself and declared her love for Bhima. She told Kunti, I have forsaken my friends, my dharma, my kin. मैंने अपने दोस्त, मैंने अपना धर्म, मैंने अपने प्रजाति के लोग सबका त्याग किया है. एंड गुड लेडी, अच्छी महिला, चोजन योर टाइगर लाइक सन, आपके मैंने टाइगर के जैसे पुत्र को, बाघ के जैसे पुत्र को अपने पति के रूप में चयन किया है. नाउ शी सेड, वेदर यू थिंक मी अ फूल, चाहे तो आप मुझे मूर्ख समझे, और यू और योर डिवोटेड सर्वेंट, या फिर अपना मुझे परिचारक समझें, अपनी दासी समझें, लेकिन अपने साथ ग्रेट लेडी विद योर सन, टेक मी विद योर सन, डिवोटेड सर्वेंट, लेट मी ज्वाइन यू ग्रेट लेडी विद योर सन एज माई हजबेंड. अल्टीमेटली युधिष्ठिरा अग्री टू द मैरिज ऑन कंडीशन दैट दे वुड स्पेंड द डे टुगेदर बट दैट भीमा वुड रिटर्न एवरी नाइट. और अल्टीमेटली ये युधिष्ठिर ने जो है शर्त को मान लिया और कहा कि भीम दिन भर Hidimba के साथ रहकर रात में उनके पास आ जाएंगे. ठीक है, तो द कपल रोम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द डे. और वो दोनों पति पत्नी ने सारे लोगों की सैर की दिन के समय में. और Hidimba gave birth to a rakshasa boy named Ghatotkacha. तो कुछ समय के बाद में Hidimba ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम घटोत्कच था. Then the mother and son left the Pandavas. और
माँ और पुत्र ने पांडवों को छोड़ दिया और वन चले गए, परंतु घटोत्कचा प्रॉमिस टू रिटर्न टू द पांडवास वेदर दे नीड हिम। तो घटोत्कच ने यह विश्वास दिलाया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वो जरूर उपस्थित होंगे। सम हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट द टर्म राक्षसा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हूज प्रैक्टिसेस डिफर्ड फ्रॉम दोज लेड डाउन इन द ब्राह्मिनिकल टेक्स्ट। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ है। मतलब राक्षस भी उसी प्रकार का व्यवहार करते थे मनुष्यों का जैसा, लेकिन जो भी हो राक्षसों को तो हम राक्षस ही मानते हैं, तो सो देवर फ्रॉम अ डिफरेंट किन फोक, राइट। नाउ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाट डू हिडिंबा टेल टू कुंती? हिडिंबा टोल्ड कुंती दैट आई हैव फॉरसेकन, मैंने अपने दोस्त, मैंने अपना धर्म, मैंने अपने किन फोक को छोड़ दिया है और अच्छी महिला, आप भद्र महिला, मैंने आपके पुत्र बाघ के जैसे, बाघ के सदृश दिखने वाले पुत्र को अपना पति स्वीकार कर लिया है। चाहे तो आप मुझे मूर्ख समझें, चाहे तो आप अपनी दासी समझें, बट आप मुझे अपने साथ ले चलिए। और उन्होंने तारीफ की किसकी? कुंती की। एंड आपके बेटे के की पत्नी के रूप में हमें अपने साथ ले चलिए। हाउ वॉज दिस स्टोरी अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ एक्सोगैमी? The act of marrying someone belonging to the another clan or community is called exogamy. So it's a unique example of exogamy. ठीक है? How did Hidimba and Yudhishthira interpret dharma in their context? Hidimba interpret dharma. She was ready to forsake her clan. She sacrificed her brother. Manusmriti has prescribed the 8 forms of marriages. This is one of them. She gave birth to Bhima's son Ghatotkacha and promised Bhima that she would send her son when Pandavas need his help. Yudhishthira interpreted dharma. Yudhishthira was considered as one who upholds dharma. He approved the marriage of Hidimba and Bhima. Thank you very much.